हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो कि CUET 2023 में अप्लाई करने का पूरा फेस चल रहा है अभी, राइट? कि कहाँ कहाँ अप्लाई करें, कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करें, क्या क्या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। सो राइट नाउ इन दिस वीडियो आई हैव ब्रॉट फॉर यू अ न्यू यूनिवर्सिटी टू अप्लाई इन CUET 2023, राइट? सो ऑब्वियसली हम लोग यू नो CUET 2023 के बारे में कुछ कॉमन टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं, जैसे DU है, BHU है, JMI विच इज जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, एंड देन देर इज व्हाट यू कॉल दिस JNU है। सो हम इन यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बात करते हैं। बट हर साल नई, मतलब बेसिकली पिछले साल जब ये लॉन्च हुआ था तो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए हुआ था, उसके बाद कुछ और यूनिवर्सिटीज ने इसको यू नो एक्सेप्ट करना शुरू करा CUET 2023 का कोर्स। बट टुडे वी गोना बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज जिसने इसी साल ज्वाइन करा है, एंड लेट्स सी हु व्हाट इज दैट यूनिवर्सिटी यू नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी विच इज इन दिल्ली, जिसका मेन कैंपस है कश्मीरी गेट में, न्यू दिल्ली में। सो दिस इज अ वेरी 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 गुड यूनिवर्सिटी यू नो इन दिल्ली विच इज अ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। आई नो दैट मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट इट येट, बट इट इज अ यू नो अनएक्सप्लोर्ड इमर्जिंग वेरी गुड यूनिवर्सिटी। एंड यू नो वील टॉक अबाउट वॉट ऑल आर दी थिंग्स दैट आर गुड इन दिस यूनिवर्सिटी। वी नीड टू क्विकली लुक एट दिस। सो वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म द एडमिशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड फॉर एकेडमिक ईयर 2023-2024, विच सेज दैट डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हैज जॉइन द कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम दिस ईयर्स ऑनवर्ड्स विच विल बी कंडक्टेड बाई NTA। सो इस साल से डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने भी CUET को यू नो स्कोर को एक्सेप्ट करना शुरू करा है, इट हैज जॉइन हैंड्स विद इट। सो लेट्स सी व्हाट मेक्स डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी व्हाट इट इज। एंड मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और एक अगर आप देखोगे मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन बैकअप यूनिवर्सिटीज, उसमें भी मैंने बात की थी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में, विच वॉज दिस डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक इट डिफरेंट? फर्स्ट थिंग, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो सबसे पहले देखते हो उसके कोर्सेज, कौन से कोर्सेज हैं उस यूनिवर्सिटी में, राइट? सो अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें, द डिजाइनिंग ऑफ द कोर्सेज, अंडरस्टैंड कोर्स कैसे डिजाइंड हुआ है। लुक एट दिस, सेमेस्टर इज एन एडवेंचर, नो प्री डिफाइंड रिजिड करिकुलम। मतलब कोई प्री डिफाइंड रिजिड करिकुलम नहीं है कि इस सेमेस्टर में आपको ये पांच सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसका कोर्स ये है, अगले सेमेस्टर में ये पांच सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसका कोर्स ये है। इतना रिजिड प्री डिफाइंड करिकुलम नहीं है यहाँ पर। यू आर द वन हु कैन डिजाइन योर एकेडमिक ईयर। मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर क्रेडिट कोर्स, कोई पर्टिकुलर कोर्स, अगर कोई यू नो कोई पर्टिकुलर इंक्लूजन जो आपके कोर्स में है, आपको लगता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, यू कैन ऑप्ट दैट आउट। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली आप अपने मन से कर सकते हो, बट ऑब्वियसली वहां पर भी क्रेडिट स्कोर्स होते हैं कि आपको कितने क्रेडिट्स पूरे करने हैं एक सेमेस्टर में, बट आप रिप्लेस कर सकते हो अपने ऑप्शंस के लिए। आपके पर्सनालिटी पे, आपके इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो ऑब्वियसली इट विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन एंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ कोर्स एंड लर्न बेटर। आप ज्यादा बेटर सीख सकते हो कि आपको कैसे और क्या पढ़ना है, राइट? सेकेंड चीज, मेन थिंग, जब हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एग्जाम्स, राइट? कि एग्जाम्स कैसे होंगे। हम लोगों को ज्यादातर यही होता है कि पूरे 6 4 5 महीने का जो सेमेस्टर होता है उसमें पढ़ाई करेंगे और लास्ट में हम एग्जाम्स दे देंगे, राइट? बट यहाँ पे क्या होता है, नो ट्रेडिशनल एंड ऑफ द ईयर एग्जाम। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एंड ऑफ द ईयर एग्जाम्स ही नहीं होते हैं, होते हैं एग्जाम्स, होते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स नहीं होते। पता चला अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और फिर बोला कि मैम यहाँ तो एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम्स होते हैं, बट मैंडेटरी एग्जाम्स की आपकी इवैल्यूएशन हर सेमेस्टर हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एग्जाम्स के बेसिस पे होगी, ऐसा नहीं है, राइट? अंडरस्टैंड, यू विल बी क्रेडिटेड फॉर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड नॉट मियरली द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। मतलब कि जब हम एंड सेमेस्टर एग्जाम्स देते हैं, हम पूरे सेमेस्टर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, बट एंड में हम पढ़ते हैं और एग्जाम्स दे देते हैं, राइट? तो
वो होता है प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग. आपने लर्न करा, उसका क्या प्रोडक्ट आया, आपके फाइनल स्कोर में आ गया. बट हियर यू विल बी क्रेडिटेड, आपके जो मार्क्स होंगे वो आपको मिलेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. मतलब आपका जो पूरे सेमेस्टर में प्रोसेस था उसमें क्या लर्निंग्स आपने करी, क्या सीखा आपने, उस बात पे डिपेंड करता है. यू विल हैव प्रेजेंटेशंस, टर्म पेपर्स, असाइनमेंट्स, सेमिनार्स थ्रू आउट द क्लासेस टू बी असेस. नाउ अब आप जब पढ़ रहे होंगे तब आपके पास सेमिनार्स, असाइनमेंट्स, टर्म पेपर्स, बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, डिबेट्स, डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप एक्चुअली सीखते हो. राइट, डू यू अंडरस्टैंड? सिर्फ एक थ्योरी, मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी, आपने लिख ली और आपने उसका एग्जाम दे दिया, इट डज नॉट गो लाइक दैट. इट इज अ लॉट ऑफ मोर प्रैक्टिकल वर्क जो इसमें इंक्लूडेड होता है. राइट, एंड इन सम कोर्सेज वी डू हैव एंड सेमेस्टर एग्जाम, जो मैंने आपको पहले बता दिया था. किसी किसी कोर्सेज में, किसी क्रेडिट में, किसी सेमेस्टर में एंड सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते हैं. नाउ इफ वी डिस्कस द फैकल्टी, मैम अब कोर्स समझ में आ गया, एग्जाम्स लास्ट में होंगे वो समझ में आ गया, फैकल्टी कैसी होगी. नाउ आपकी फैकल्टी, नाउ अब एक बात है कि अगर फैकल्टी है यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है, ग्रेट ग्रेट फैकल्टी, बहुत अच्छी फैकल्टी है, बट एक प्रॉब्लम जो बच्चों को ज्यादातर आती है फैकल्टी के साथ कि क्या हम उनको रीच आउट कर सकते हैं बहुत कंफर्टेबली और इजीली. राइट, सो यहाँ पे द फैकल्टी अवेलेबिलिटी इज नॉट जस्ट टिल क्लास, यू कैन फाइंड देम, कनेक्ट देम ओवर मेल, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इवन एट द यूनिवर्सिटी कैंपस. दिस इज, यू नो, मैंने पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये बात सुनी है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में कि वहां की फैकल्टी आपको नॉर्मली यूनिवर्सिटी में भी मिल सकती है. आप बात करो उनसे, कनेक्ट करो, आपके क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, बॉन्ड कर सकते हो. यू कैन आस्क क्वेश्चन, यू कैन गेट मेंटरशिप फ्रॉम देम. राइट, दे आर नॉट जस्ट टीचर बट दे आर ऑल्सो योर गाइड. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फैकल्टी के साथ आपका कैसा यू नो बॉन्ड है, आप कैसा यू नो अंडरस्टैंडिंग है आपकी. फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, आप फैकल्टी से पढ़ रहे हो क्लासरूम से निकल के, ना आप फैकल्टी को जानते ना फैकल्टी आपको जानती. बट टेक लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस हैपन्स इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. राइट, नाउ द कैंपस इट्स अ वेरी इंक्लूसिव कैंपस, पॉजिटिव एंड नो डिस्क्रिमिनेशन एंड हैज अ हेरिटेज ऑफ इट ओन. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड कैंपस, लश ग्रीन कैंपस, बिग कैंपस and a very friendly and a very positive campus. मैं खुद गई हूँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, तो बहुत पॉजिटिव कैंपस है. अगर आपको ऐसा भी लगता है ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मान लो कि आपने CUET में हिंदी से पेपर भरा था, इंग्लिश नहीं आती है, और बहुत मेजरली यहाँ पे सारी यू नो जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, मीडियम ऑफ एग्जाम्स होते हैं, इंग्लिश होती है, नहीं आती, नो प्रॉब्लम्स. उनके पास एक लैंग्वेज सेल भी है, यू अंडरस्टैंड, एक लैंग्वेज सेल है जिसमें आपको लैंग्वेज के लिए भी सपोर्ट मिलती है. सो नाउ अंडरस्टैंड कि कितनी इंक्लूसिव फैकल्टी, कितना इंक्लूसिव यू नो यूनिवर्सिटी है फॉर एवरीवन. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट आर द कोर्सेज दैट अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफर्स एंड क्या क्या उसके एलिजिबिलिटीज है. राइट, बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्लोबल स्टडीज, इंग्लिश होना चाहिए, सेक्शन 3 GT होना चाहिए. अब यह आता है BBA, BBA के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज होना चाहिए. सेक्शन 2 में से बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 सब्जेक्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट. देखो सबसे अच्छी बात है ये, ना मैथ्स चाहिए, ना कोई और यू नो पर्टिकुलर कंपलसरी डोमेन चाहिए. आपके सेक्शन 2 में आपने जो भी कोई डोमेन्स यू नो भरे हैं, बेस्ट ऑफ 3 चाहिए, बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 फ्रॉम द ऑल 27 कोर्सेज BBA के लिए. राइट, बैचलर ऑफ आर्ट्स सस्टेनेबल अर्बनिज्म, सेक्शन 3 चाहिए सिर्फ. बैचलर ऑफ आर्ट्स सोशल साइंसेज में अगर आप यू नो बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हो BA इन सोशल साइंसेज, तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए और डोमेन में से बेस्ट 3 स्कोर ऑफ एनी, बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 ऑफ द 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. बैचलर ऑफ आर्ट्स लॉ एंड पॉलिटिक्स, लॉ एंड पॉलिटिक्स में अगर आप BA करना चाहते हो, पर्टिकुलरली लॉ एंड पॉलिटिक्स पढ़ना चाहते हो, तो सेम वही है, सेक्शन 1 में से आपको यू नो इंग्लिश चाहिए और सेक्शन 2 में से आपको स्कोर ऑफ एनी 3 सब्जेक्ट्स ऑफ 27 डोमेन्स चाहिए. बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश, इंग्लिश होना चाहिए और सेम कोई भी 3 सेक्शन, सेक्शन 2 के अंदर जो डोमेन्स होते हैं उसमें से 3 डोमेन्स का बेस्ट का स्कोर लेंगे.
इकोनॉमिक्स के लिए एक ये होना चाहिए कोई भी वही लैंग्वेज और बेस्ट थ्री ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स हिंदी, हिंदी में हिंदी लैंग्वेज चाहिए और कोई भी थ्री बेस्ट स्कोर ऑफ द थ्री डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री करना है, सेम वही लैंग्वेज करना है और कोई भी थ्री सब्जेक्ट्स. बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स साइकोलॉजी, अगेन द सेम कोर्स. बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स चाहिए अगर आपको सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज में. अंडरस्टैंड, ये ऑनर्स नहीं था, ये ऑनर्स है. अगेन एनी वन लैंग्वेज एंड थ्री डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट. सोशियोलॉजी में सेम थ्री सब्जेक्ट्स चाहिए सेक्शन टू से, और इंग्लिश इंग्लिश चाहिए. और इनफैक्ट हियर इफ यू अंडरस्टैंड, साइकोलॉजी में और सोशल साइंसेज में, सोशियोलॉजी में कोई भी लैंग्वेज चलेगी, एनी वन लैंग्वेज. इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर. बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स मैथमेटिक्स. अब मैथमेटिक्स में यू नो ये कंपल्शन है, सेक्शन टू में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए और बेस्ट स्कोर ऑफ एनी ऑफ द थ्री डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आइदर फ्रॉम सेक्शन टू और सेक्शन वन ने. मतलब कि सेक्शन टू से भी ले सकते हो, सेक्शन वन से भी. मतलब हो सकता है कि आपने एक तो मैथ्स ले लिया, उसके सिवा दो सेक्शन दो से सेक्शन टू से ले लिए और एक आपने इंग्लिश ऐड कर लिया, फिर से वही चार, सेम वही चार डोमेन हो गए. नाउ इफ यू टॉक अबाउट बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में एनी लैंग्वेज और थ्री सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन टू. अगेन सो अंडरस्टैंड वन थिंग, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्राइटेरिया नहीं है समझने के लिए. बेसिकली आपको तीन सेक्शन टू से डोमेन्स चाहिए और एक लैंग्वेज चाहिए. पर्टिकुलरली यहाँ वाले जो कोर्सेज है उनके लिए आपको इंग्लिश चाहिए, और हिस्ट्री साइकोलॉजी सोशियोलॉजी के लिए, इनके लिए आपको कोई भी लैंग्वेज चलेगी. हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, राइट. सो अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, दैट बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं टू ऑफर, बहुत अच्छा स्टडी पैटर्न है. आप अपने चॉइस से यू नो क्रेडिट्स को ले सकते हो, छोड़ सकते हो, बाद में कवर अप कर सकते हो. इवैल्यूएशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी आपको. सो इफ यू आर कंसिडरिंग यू नो अ न्यू एंड अ गुड यूनिवर्सिटी, कोई एडवेंचरस यू नो आप वो करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट एंड मॉडर्न, प्लीज गो विद दिस यूनिवर्सिटी. दिस यूनिवर्सिटी एनी वेज इज वेरी वेरी गुड. द काइंड ऑफ एक्सपोजर एंड द लर्निंग जो आपको मिलते हैं इस यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी में, इट्स वेरी गुड, राइट. सो फॉर ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स, इफ यू स्टिल हैव एनी यू नो कन्फ्यूजन्स पूरे इसके बारे में कि मैम कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई कोर्स का बैकग्राउंड नहीं समझ में आ रहा है, या अंबेडकर के बारे में प्रॉबेबली अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, तो प्लीज पुट इट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर. थैंक यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट.